और मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव जीत चुके हैं और देवास से गायत्री राजे परिवार पवार चुनाव जीती हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजे पवार तकरीबन 26,000 से अधिक वोटों से जीती हुई है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बढ़वाह से बीजेपी प्रत्याशी सचिन बिरला भी चुनाव जीत चुके हैं और बता दें कि सचिन बिरला 5,818 वोटों से जीते हैं। इसके अलावा रेहली की बात की जाए तो रेहली से मंत्री गोपाल भार्गव भी 9वीं बार चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शाजापुर से इंदर सिंह परमार चुनाव जीत चुके हैं और ये वो सीटें हैं जो दिग्गज नेताओं की सीट थी। और भोपाल मध्य से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद भी चुनाव जीत चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी भोपाल से और आरिफ मसूद तकरीबन 25,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। और सैलाना की बात की जाए तो सैलाना से निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश्वर डोडियार भी चुनाव जीत चुके हैं। कमलेश्वर डोडियार 5,335 वोटों से जीते हैं। और करेरा से अगर बात की जाए तो करेरा से बीजेपी प्रत्याशी रमेश खटीक भी चुनाव जीत चुके हैं और रमेश खटीक 1204 मतों से जीते हैं। बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है, प्रचंड बहुमत की ओर। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की लहर मध्य प्रदेश में, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को रुझानों में भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी आगे बढ़ते हुए। मध्य प्रदेश में बीजेपी 166 सीटों पर आगे, कांग्रेस 62 पर और अन्य 2 सीटों पर। और बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचंड वोटों से जीते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 75,000 से अधिक मतों से जीते हैं। ये प्रचंड जीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। और भोपाल उत्तर से आतिफ अकील भारी मतों से जीते हैं। आतिफ अकील तकरीबन 27,086 वोटों से जीते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील जो कि चुनाव जीते हैं। और इसके अलावा अगर सोनकच्छ की बात की जाए तो सोनकच्छ से कांग्रेस प्रत्याशी 23,751 मतों से जीते हैं। सोनकच्छ से कांग्रेस प्रत्याशी है सज्जन सिंह। और इसी बीच सांची से बड़ी खबर, सांची से बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी 50,000 वोटों से जीते हैं। बता दें कि अभी स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। और बैरसिया से बीजेपी प्रत्याशी विष्णु खत्री चुनाव जीत चुके हैं और विष्णु खत्री तकरीबन 25,495 मतों से चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा हाट पिपलिया की बात की जाए तो हाट पिपलिया से बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी चुनाव जीते हैं। मनोज चौधरी 4,200 मतों से चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए शिवपुर की तो शिवपुर से कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल जंडेल चुनाव जीत चुके हैं। ये लगातार उनकी तीसरी जीत है। बाबूलाल जंडेल 11,000 मतों से चुनाव जीत चुके हैं। और दिमनी से बात की जाए, दिमनी से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री चुनाव जीत चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर 24,429 मतों से चुनाव जीत चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं। और नर्मदापुरम से डॉक्टर सीतासरण शर्मा चुनाव जीत चुके हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता। और खातेगांव से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा चुनाव जीत चुके हैं। और जबलपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया चुनाव जीत चुके हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर जीते हारे प्रत्याशी हैं। और जबलपुर पश्चिम से बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह चुनाव जीत चुके हैं। राकेश सिंह फिलहाल सांसद हैं। और छिंदवाड़ा से कमलनाथ 25,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। देवास से गायत्री राजे पवार चुनाव जीती हैं।